नमस्कार दोस्तों, स्वागत है उसी ऑनलाइन डफ और स्टडी चैनल का। फिर से दोस्तों आप सही के बीच आज उनहत्तर हज़ार को लेकर बात करें। दोस्तों उनहत्तर हज़ार को लेकर हाईकोर्ट के अंदर, डबल बेंच के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर तमाम सुनवाई के दोस्तों जो केस हैं वो लगे हुए हैं। उनहत्तर हज़ार की दोस्तों अगर बात करें उत्तर कुंजी मुद्दे की, या फिर बात करें एनओसी मुद्दे की, पेपर अर्थ मुद्दे की, या फिर दोस्तों सीबीआई जाँच वाले या अन्य सभी जितने भी दोस्तों केस लगे हुए हैं, सभी की पल पल की अपडेट दोस्तों आप सीखो ऑनलाइन डफ और स्टडी चैनल के माध्यम से मिलेगी। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आप सीखो लेटेस्ट वीडियोज़ नोटिफिकेशन मिलते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा उत्तर कुंजी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई होने वाली है। पहले मैं बताऊंगा दोस्तों कोर्ट नंबर को लेकर, जैसा कि कोर्ट नंबर 3 के अंदर सुनवाई होने वाली है। अभी दोस्तों आपके केस का नंबर नहीं आया, चौथे नंबर पर केस लगा हुआ है, उससे पहले 3 केस सुने जाएंगे कोर्ट नंबर 3 के अंदर। बात कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट को लेकर, जहां पर दोस्तों आपको बताएं विवादित प्रश्नों को लेकर चैलेंज किया गया है। तो ये तो दोस्तों अपडेट हो जाती है सुप्रीम कोर्ट को लेकर। जैसी सुनवाई शुरू होगी सबसे पहले आप सभी को बता दिया जाएगा, अभी सुनवाई शुरू नहीं हुई है, चौथे नंबर पर दोस्तों आपका जो केस है वो। अगर दोस्तों बात करें हाईकोर्ट के अंदर, जैसा कि आपको पता है कि हाईकोर्ट को लेकर तमाम केस लगे हुए, जैसा कि मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा दोस्तों कोर्ट नंबर 26 के अंदर आपकी सुनवाई होने वाली पेपर रद्द के मामले को लेकर, जहां पर लिस्ट ऑफ फैस केसेस को उठा लिया गया है। यहां पर भी दोस्तों चौथे नंबर पर जो केस है वो लगा हुआ है, सीबीआई जांच की मांग की गई है, पेपर रद्द को की गई। अभी दोस्तों 3 केसेस को सुनना बाकी है। अगर उससे पहले एडिशनल को उठाया जाता है तो दोस्तों आपसी को इंतजार करना पड़ेगा। अगर नहीं उठाया जाता है तो अब से दोस्तों अगर बात करें आधे घंटे के अंदर आपको जो केस का नंबर देखने को मिल जाएगा, जो कि दोस्तों पेपर रद्द से संबंधित है। वहीं मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कोर्ट नंबर 26 की बात बता दी है मैंने, ये दोस्तों लखनऊ हाई कोर्ट की बात कर रहा हूं। वहीं दोस्तों आपको एक और चीज़ है, एनओसी मुद्दा लगा हुआ कोर्ट नंबर 16 के अंदर, जहां पर डबल बेंच के अंदर सुनवाई होने वाली है। अगर बात करें अधिवक्ताओं से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वो चाहते हैं कि इस केस को आज ना सुनवाया जाए, उसका रीज़न मैंने कल रात को ही बता दिया था। उसका रीज़न ये है कि जो एनओसी वैलिड की गई थी उन्हीं उनमें से एक जज साहब इस केस को सुन रहे हैं डबल बेंच के अंदर, तो हो सकता है कि आज इस केस को ना सुनवाया जाए। अगली डेट के लिए दोस्तों आपसे को इंतजार करना पड़े, बाकी जो भी अपडेट निकली मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल दोस्तों वहाँ पर लिस्ट ऑफ फैस केसेज को उठा लेगा, 5वें नंबर पर केस चल रहा है। अगर मैं आपको बताऊँ उसके अंदर 15वें नंबर पर आपका जो केस है वो लगा हुआ है, जो कि अमित कुमार त्रिपाठी के नाम से डाला गया है, ठीक है। वही मैं दोस्तों आपसी को बताना चाहूँगा और भी मुद्दे भागांग वगैरह को लेकर दोस्तों अभी सुनवाई शुरू नहीं हुई है। और भी दोस्तों कई मुद्दे अभ्यर्थी मुझे कमेंट करके बारे में बताते रहते हैं, तो उनको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे केस होते हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारी नज़रों से जो है दूर हो जाते हैं, जिनका दोस्तों इतनी अपडेट नहीं निकल पाती है। अगर आपके पास में कोई अपडेट होती है, अगर आपके पास कोई केस संख्या होती है केस के बारे में, चाहे वो MRC का होता है या ओवरलैपिंग का होता है, तो उस संख्या को एक बार 100% कमेंट बॉक्स के अंदर या फिर हमारी फेसबुक आईडी से हमें प्रोवाइड करवा सकते हैं, जिससे कि आपसी को सारी अपडेट दे दी जाएगी। कई बार बहुत सारे केसेज होते हैं जो कि हमारी नजरों से दोस्तों जो है सामने नहीं आ पाते या फिर रह जाते हैं, तो ऐसे में अगर आपके पास उसकी संख्या मिलती है तो 100% आप सभी में शेयर करिए अगले वीडियो के माध्यम से, जब भी दोस्तों अपडेट होगी आप सभी को प्रोवाइड कर दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, सुप्रीम कोर्ट से लेकर दोस्तों हाईकोर्ट की सारी अपडेट आपको प्रोवाइड की जाएगी। अभी तक दोस्तों किसी केस की सुनवाई शुरू नहीं हुई, आने वाले समय के अंदर जैसी सुनवाई शुरू होती है आप सभी को बता दी जाएगी। टीम लगातार दोस्तों जो काम कर रही है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियोज नोटिफिकेशन मिलती है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।